नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा ठेका श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित। नगर इंजीनियरिंग विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और सतर्कता जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 5 से जुड़े ठेका श्रमिकों के लिए 18 जुलाई को एक नियतकालिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में ब्लास्ट फर्नेस 5 में कार्यरत कुल 252 ठेका श्रमिकों की स्वास्थ्य परीक्षण की गई। उनकी दृष्टि शक्ति, रक्तचाप, रैंडम ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुपिंग एवं हेपेटाइटिस बी की जांच भी की गई। श्रवण शक्ति एवं पल्स रेट आदि जैसे सामान्य परीक्षण सेवा भी उन्हें उपलब्ध कराई गई और HIV पर परामर्श भी दिया गया। पहचान किए गए व्यक्तियों को निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की गई। महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं एवं उपयोगिता श्री गौतम बनर्जी एवं महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री अतनु भौमिक शिविर में गए और ठेका श्रमिकों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर प्लांट के कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। आरएसपी ओएचएससी के वरिष्ठ उप निदेशक डॉक्टर टी मिश्र, आईजीएच के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शाहिद, IGH डिस्पेंसरी के डॉक्टर श्रीमती रीना खुजूर एवं डॉक्टर AK नायक और ESI मॉडल अस्पताल के डॉक्टर सुश्री शैल्या ने ठेका श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि RSP के ठेका श्रमिकों के लिए RSP में यह 40वां स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम था। 25 अप्रैल 2013 से प्रारंभ किया गया इस कार्यक्रम में अब तक 10,022 ठेका श्रमिकों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन कार्मिक ठेका श्रमिक कक्ष द्वारा इस्पात जनरल अस्पताल, IGH कर्मचारी राज्य बीमा निगम राउरकेला और कर्मचारी राज्य बीमा योजना राउरकेला के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक कार्मिक CLC एवं परियोजना श्री TG कानेकर एवं उप महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री विपिन सरतापे द्वारा ठेका श्रमिक कक्ष CLC के टीम सदस्यों के सहयोग से किया गया। नगर इंजीनियरिंग विभाग में 17 जुलाई को एक माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी नगर इंजीनियरिंग श्री PK साहू ने समारोह की अध्यक्षता की और नगर इंजीनियरिंग सिविल के ऑपरेटर तकनीशियन श्री KC नायक, नगर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग सहायक श्री केदारनाथ बारिक एवं जल आपूर्ति नगर के वरिष्ठ तकनीशियन सह ऑपरेटर श्री जगदीश प्रसाद को क्रमशः अप्रैल, मई और जून माह के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार हेतु प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक उपहार प्रदान किए। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी, यूनिट कार्मिक प्रतिनिधि एवं विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री साहू ने पुरस्कार विजेताओं को निष्ठा, समर्पण भाव एवं विभाग के निष्पादन में सुधार में उनके योगदान की सराहना की। उल्लेखनीय है कि श्री नायक को उनके नेतृत्व कौशल के साथ सौंपे गए कार्यों को समय पर पूरा करने हेतु सम्मानित किया गया। श्री बारिक को विशेष असाइनमेंट और अन्य अभिनव कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण के लिए सम्मानित किया गया और श्री प्रसाद को स्टोर कीपर की अनुपस्थिति में कुशलता से स्टोर की कामों को संभालने के लिए सम्मानित किया गया। उप महाप्रबंधक कार्मिक एवं इंक्वायरी श्रीमती सास्वती त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संचालन किया। HRD सेंटर में 19 जुलाई को सतर्कता जागरूकता पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। RSP के विभिन्न विभागों के कुल 21 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सतर्कता विभाग का उद्देश्य और भूमिका एवं इसकी मुख्य गतिविधियों, प्राप्ति वसूली प्रक्रिया और CDA नियमों पर प्रकाश डाला गया। विषय की गहराई को समझने के लिए शिक्षण पद्धति के रूप में केस स्टडी का भी उपयोग किया गया। उप महाप्रबंधक MM श्री JK दास, प्रबंधक कार्मिक श्री सुधांशु महापात्र और प्रबंधक सतर्कता श्री JP शुक्ल द्वारा इस सत्र का आयोजन किया गया। उप महाप्रबंधक सतर्कता श्री VK यादव ने HRD के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया।
इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।